नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में है टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, तो दोस्तों जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन या प्रश्न की बात करते हैं, नासा के अनुसार वर्ष 2135 में कौन सा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को छू सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है, ए है आपका क्षुद्र ग्रह बैनु, बी है क्षुद्र ग्रह हैमर, सी ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह एजे और डी ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह शुमेका। तो दोस्तों इस प्रश्न का इस ऑप्शन का सही आंसर है ए, यानी कि क्षुद्र ग्रह बैनु। दोस्तों यह 2135 के लगभग पृथ्वी को छू सकता है, ऐसा नासा का अनुमान है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है, फैन वाई खान जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है ए कंबोडिया, बी वियतनाम, सी सिंगापुर और डी म्यांमार। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम के कौन थे प्रधानमंत्री थे, बैन बाई खाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है ए रतन टाटा, बी नंदन निकोकणी और सी एन चंद्रशेखरन और डी एम करियप्पा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि चंद्रशेखरन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक डिजिटल सम्मेलन 2018 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक डिजिटल सम्मेलन 2018, दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है आपके ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ए या केरल, दोस्तों केरल राज्य में आयोजित होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम को हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय टीम का दर्जा मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए नेपाल, बी कनाडा, सी हांगकांग और डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ए नेपाल। दोस्तों नेपाल की क्रिकेट टीम को एक दिवसीय मैच खेलने का दर्जा प्राप्त हो गया है इंटरनेशनल। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फीफा ने हाल ही में किस खाड़ी देश से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की मेजबानी करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी कि वह देश फिर से मेजबानी कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए ओमान, बी बहरीन, सी कुवैत, डी इराक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है डी इराक। ये इराक पर पहले प्रतिबंध लगा था कि वह फुटबॉल की मेजबानी नहीं करेगा, लेकिन अब इसको वापस ले लिया गया, अब यह मेजबानी कर सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए $951 मिलियन की मदद की अपील की है। दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र UN, बी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, सी खाड़ी सहयोग परिषद और डी है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की है, UN ने। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित किस देश की राष्ट्रपति ने एक वित्तीय घोटाले के कारण 17 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों 17 मार्च को किसके कारण दिया था, वित्तीय घोटाले के कारण इस्तीफा दिया था, वह कौन सा देश है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए
मॉरिशस, बी है मालदीव, सी है मेंडागास्कर और डी है न्यू गिनी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ए मॉरिशस। ए मॉरिशस के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट में क्लीन अप ड्राइवर की शुरुआत की है। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए इंडिया, बी नेपाल, सी चीन और डी भूटान। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बी नेपाल ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला वह पूर्वोत्तर राज्य जहां 105 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। वह पूर्वोत्तर राज्य जहां पर 105वां है दोस्तों, 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजित किया गया है, भाई कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन है आपके ए इम्फाल, इम्फाल मणिपुर में, या फिर बी गुवाहाटी है संबे, सी है कोहिमा है नागालैंड और डी है अगरतला त्रिपुरा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है यह किया गया था मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया था। इसके बाद चलते हैं 11वां प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिन्हें स्कूली शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु नीति आयोग के साथ साथी ई नाबक परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों वह कौन सा राज्य सरकार है। तो इसका ऑप्शन है झारखंड और छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है झारखंड और मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड और कर्नाटक और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए झारखंड और छत्तीसगढ़ है इसका सही आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है वह राज्य जहां न्यूट्रॉन संबंधी परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला की स्थापना और पर्यावरण मंत्रालय से सहमति प्रदान की गई है। इसके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी तमिलनाडु। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस बैंक ने मॉर्टगेज गारंटी समर्थित गृह ऋण देने के लिए इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है पीएनबी, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक और डी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने पहली बार टी20 रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए रविंद्र जडेजा, बी रोहित शर्मा, सी हार्दिक पांड्या और डी है युजवेंद्र चहल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि युजवेंद्र चहल ने किया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है सोनी इंडिया के नई प्रबंध निर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। सोनी इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इस प्रश्न के ऑप्शन है ए है श्री नायर, बी राजा और सी है डेनियल माजून और डी है मुकेश भारद्वाज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुनील नायर को किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर महोत्सव पर निम्नलिखित में से किन्हें 1,000 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा और बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, सी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और यह सभी। दोस्तों यह इसका आंसर है यह सभी। दोस्तों यह सभी की उपस्थिति में यह लॉन्च या किया गया था कि 1,000 और 10 रुपए के सिक्के जारी होंगे।
तो इस प्रश्न यह सब लोग थे वहां पर मौजूद जब यह घोषणा की गई थी या फिर जब इनका विमोचन हुआ था। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन के साथ भारत ने पृथ्वी अवलोकन डेटा में साझाकरण के लिए समझौता किया है? दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए यूरोपीय संघ, बी है एशियाई संघ और सी है संयुक्त राष्ट्र संघ, डी है कमीशन फॉर एशिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि यूरोपीय संघ। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में किस देश की रेलवे को 18 माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रण भारतीय रेल इंजन सौंपा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी है कंबोडिया और डी है म्यांमार। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि म्यांमार को। इसके बाद अगला प्रश्न है, उन प्रसिद्ध हिंदी कवियों का नाम बताइए जिनका हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों बस वह कवि कौन है? पहले शैल चतुर्वेदी, बी केदारनाथ सिंह और सी ऑप्शन है नरेंद्र मेहता, डी ऑप्शन है रविंद्र प्रभात। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बी केदारनाथ का निधन हुआ है अभी हाल ही में, जो कि 84 वर्ष की अवस्था में थे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत के किस शहर में विश्व व्यापार संगठन की अनौपचारिक मंत्रिपरिषद बैठक शुरू हो गई है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए मुंबई में, बी नई दिल्ली, सी पुणे और डी अमृतसर में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि नई दिल्ली में हुई है। इसके बाद इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।